नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें, 0222300 1634। इसके अलावा आप 0222300 1635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और आज की चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ हैं अनुज गुप्ता IIFL सिक्योरिटीज के, और जिगर धर्मसिंह हैं मोतीलाल ओसवाल के, और साथ ही हमारे साथ कुछ ही देर में जाने माने ऑयल एक्सपर्ट दोराबजी मिस्त्री जुड़ेंगे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर ज़बरदस्त कोहराम मचा हुआ है और सोने में करीब 800 रुपये तक की गिरावट आ गई है, और MCX पर सोना 51,200 रुपये के नीचे आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1,690 के नीचे गोल्ड लुढ़क चुका है। करीब करीब $22 की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में दिख रही है। सवाल ये है कि क्या सोने चांदी की ये जो गिरावट है ये और बढ़ेगी, या मार्केट की गिरावट यहाँ थमेगी। पहला सवाल अनुज जी आपसे यही, क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार में या फिर अगले कुछ दिनों में ये गिरावट और बढ़ने वाली है सोने की और चांदी की? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए, आज तो US मार्केट बंद है तो ज़्यादा मोमेंटम मुझे लगता नहीं कि इवनिंग में देखने को मिलेगा। बट हमारा व्यू है कि मार्केट में गोल्ड सिल्वर में जो एक हमने पिछले दिनों रैली देखी थी उसका एक रिट्रेसमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अभी फिलहाल रहेगी। तो हमारा बाय कॉल रहेगा कि ऑलमोस्ट अगर इंट्राडे ट्रेड करना है किसी को तो करंट रेट से खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस करीबन 51,150 पे लगाएं, टारगेट 51,600-51,800 तक हो सकता है। हमें लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $1,680-$1,685 तक के लेवल इंट्राडे में देखे जा सकते हैं। बट अगर हम एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि रुपी यहाँ पे काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है, तो यहाँ पे डोमेस्टिक मार्केट में आपको भावों में तेजी देखी जा सकती है। जबकि इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लगता है कि भाव अगेन एक बार $1,700 तक के लेवल दिखा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बाकी करेंसी को डेप्रिशिएट होते हुए देखा है तो उसके अगेंस्ट में एज अ सेफ हेवन हमने गोल्ड में एक अच्छी डिमांड आते हुए देखी है। साथ में जिस तरीके का जियोपॉलिटिकल रिस्क दोबारा से अराइज हुआ है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो, चाहे वो US में हो या फिर नॉर्थ कोरिया में हो, तो कहीं ना कहीं सभी जगह एक रिस्क वाली बात यहाँ पर देखने को मिली है, जिससे गोल्ड को एक सेफ हेवन डिमांड के तौर पर देखने को मिल सकता है। और जहाँ तक डॉलर इंडेक्स का सवाल है, हमें लगता है डॉलर इंडेक्स यहाँ से आप एक टॉप आउट होता हुआ दिखाई देगा और वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से UN स्टेटमेंट कर रहा है कि सेंट्रल बैंक ऐसे एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाएं, तो पॉसिबल ही है कि आगे इंटरेस्ट रेट उतने एग्रेसिव ना बढ़े, तो गोल्ड को आगे सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गोल्ड अपने काफ़ी नीचे स्तरों पर ट्रेड कर रहा है, तो डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में हमें लगता है कि हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लें तो एक अपसाइड मोमेंटम गोल्ड में देखने को मिल सकता है। और हमारा मानना है कि जल्दी ही गोल्ड के प्राइस आपको अगेन $52,000 और $1,720 तक आपको इंटरनेशनल मार्केट में देखने को मिल सकता है। ये राय आपकी हो गई गोल्ड पे और सिल्वर पे। हालांकि इस पर डिबेट हो सकता है कि तेजी कैसे आएगी, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से अमेरिका में जॉब के आंकड़े आए उसके बाद इस बात की संभावना और बढ़ती हुई दिख रही है कि US जो एग्रेसिव अप्रोच है इंटरेस्ट रेट को लेकर उसे कंटिन्यू रखेगा, ये गोल्ड के लिए निगेटिव है। और डॉलर का इंडेक्स रिकवर हुआ है, 113 के ऊपर गया है, इसका भी निगेटिव इम्पैक्ट आज हमने देखा है। रुपया भी लोअर लेवल से संभला है, तो आज के सारे फैक्टर गोल्ड के लिए निगेटिव अब तक दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रूड और नेचुरल गैस, इन दोनों काउंटर पर आपका व्यू जिगर। गुड इवनिंग। क्रूड में मुझे लगता है कि हमने जो ओपेक का पांच जो कट्स के जो अपडेट्स आए थे उसके बाद क्रूड में काफी अच्छी रैली है, काफी दिख चुके हैं, जो मोमेंटम है वो साइडवेज टू पॉजिटिव कंटिन्यू रहेगा। बिकॉज जिस तरह से जो रशिया यूक्रेन के जो कंसर्न्स एस्केलेशन होने की जो प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है, ऐसा कंसर्न है, तो जिसकी वजह से हो सकते हैं कि आगे जाके सप्लाई डिसरप्शन का भी इशू रहेगा, तो इसकी वजह से प्राइसेस को सपोर्ट मिल रहा है। बट एक चीज पे और भी ध्यान देना चाहिए कि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और जिस तरह से एग्रेसिव रेट हाइक्स का स्टांस अभी भी रहेगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक रिसेशनरी कंसर्न्स भी रहेगा, तो उस फैक्टर्स की वजह से डिमांड के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस रहेगा, तो दोनों ही फैक्टर्स के ऊपर ध्यान रखना है। अभी के लिए अगर व्यू पूछेंगे तो मुझे लगता है कि क्रूड में थोड़ा साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम रहेगा। खरीदारी के लिए अगर मौका देखना है तो हल्की सी गिरावट मिलती है वहां खरीदारी का मौका लेना चाहिए, बट जो अपसाइड है इनिशियली 7,770 के करीब तक लिमिटेड रहेगी क्रूड के लिए। नेचुरल गैस में रेंज बाउंड मोमेंटम रहेगा,
और मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में एक 565 से के करीब का एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, और मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में विंटर्स के टाइम पे काफी ज्यादा फोकस रहेगा, कि अभी तक तो यूरो जोन ने काफी अच्छा स्टोर करके रखा हुआ है, बट विंटर्स अगर काफी एक्सट्रीम होते हैं तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो सकती है, और उसकी वजह से नेचुरल गैस में दोबारा से तेजी आने का मौका मिल सकता है। तो ट्रेडर्स के लिए रिकमेंडेशन रहेगा नेचुरल गैस में 565 का ब्रेकआउट मिले तब जाके खरीदारी करे, और ये बिल्कुल ही ट्रेडिंग के लिए कॉल हो। तो ये राय आपकी है नेचुरल गैस पर बाइंग की कॉल 575 के टारगेट के लिए, 565 पर आप बाई कर सकते हैं, 558 के लेवल पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं पाम ऑयल की। जी हाँ, पाम तेल की जब हम बात कर रहे हैं तो हालांकि पाम तेल के दाम वैसे तो ओवरऑल ऊपर से इस साल की नई ऊंचाई से बहुत गिरे हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्ते में दाम कुछ बढ़ भी गए हैं। 2 हफ्ते की ऊंचाई पर पाम तेल के दाम पहुंच गए हैं और 3,800 रिंगिट के ऊपर आ गया है भाव। महीने भर में 8% दाम बढ़े हैं, आपको याद होगा 3,400 रिंगिट के नीचे आ गया था, वहाँ से बढ़ के 3,800 रिंगिट के नीचे आया। ये हम मलेशिया में के वायदा भाव की बात कर रहे हैं, हालांकि रिकॉर्ड लेवल से अभी भी भाव 50% नीचे है। और पाम पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, और जो कि दुनिया के जाने माने पाम एक्सपर्ट माने जाते हैं। हमारे साथ हैं गोदरेज इंटरनेशनल के डायरेक्टर दोराब जी मिस्त्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोराब जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, और बहुत लंबे वक्त के बाद बात हो रही है हमारी। वैसे तो ओवरऑल प्राइस अभी नीचे है रिकॉर्ड हाई से, लेकिन ये 2 हफ्ते में से दाम बढ़ने क्यों लगे हैं सर पाम के? भैया, दाम बढ़ने लगने का कारण है यूक्रेन की लड़ाई। जब यूक्रेन ने वो कर्च ब्रिज एक्सप्लोड कर दिया तो इसका नतीजा आज आपने देखा, रशिया ने काफी मिसाइल के रेड लगाए हैं कीव पर और यूक्रेन में, और सारी दुनिया में एक प्रकार की टेंशन की हवा चल रही है, और उस टेंशन की हवा के लिए एग्रीकल्चरल कमोडिटीज में तेजी आई है। लगता है कि ये जो एक्सपोर्ट कॉरिडोर जो यूक्रेन और रशिया और टर्की ने बनाया था ब्लैक सी से, वो अब एक्सपोर्ट कॉरिडोर शायद नवंबर महीने के बाद कंटिन्यू नहीं होगा और बंद हो जाएगा, तो इसे कॉर्न, व्हीट, सोयाबीन सब में आग लगी है। मेरा मानना है कि आज क्रूड ऑयल भी शायद थोड़ा इंप्रूव हो सकता है, हालांकि क्रूड ऑयल ऑलरेडी $12-15 बढ़ चुका है पिछले 2 हफ्तों में ओपेक की प्रोडक्शन कट की बदमाशी के बाद, लेकिन इसमें और भी थोड़ी तेजी आ सकती है क्योंकि तेजी की हवा मार्केट में चल रही है। इसलिए मेरे लिए प्रश्न है कि आज सोने चांदी के दाम क्यों नहीं बढ़े, ये भी बढ़ने चाहिए। अगर टेंशन इतना जोर से टेंशन बाजार में आया है तो आज और अगले हफ्ता में ये टेंशन के माध्यम से थोड़ी धीमी धीमी तेजी हर एक मार्केट में आएगी। मंदी सिर्फ एक मार्केट में रहेगी, शेयर बाजार में। शेयर बाजार में आप देखिए नैस्डैक, S&P, डाउ सब नीचे है, सब माइनस है, और जब बाजार अमेरिका की बाजार खुलेगी अब से 2 घंटे 1.5 घंटे के बाद तो मंदी ही चलेगी। तो आज का माहौल है कि इक्विटी मार्केट डाउन और कमोडिटी मार्केट अप, मेटल मार्केट अप, एनर्जी मार्केट अप। ये बहुत ही शॉर्ट टर्म माहौल है, 2-3 दिन या हफ्ते भर चलेगा। तो मार्केट बंद है मेरे ख्याल से सर? जी, मलेशिया की मार्केट में आज काम नहीं है। नहीं, यूएस यूएस का मार्केट भी बंद है सर आज। हाँ हाँ हाँ, तो कोई, लेकिन यूएस फ्यूचर्स आप जानते हैं कि कंप्यूटराइज ट्रेडिंग तो चालू रहती है। हाँ, राइट राइट राइट, 24 घंटे चालू रहती है। ठीक बात है। तो आप देखिए फ्यूचर्स मार्केट में सब डाउन है एट द मोमेंट। या तो आप ये वजह बता रहे हैं कि जो हालात हैं उसकी वजह से कीमतों पर असर पड़ा है। अब मेरा एक आज की हालात के, आज की हालात एग्जैक्टली सर, अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ दोराब जी कि इंडिया का सिनेरियो अभी आपको क्या दिख रहा है? क्योंकि अभी आप देखिए कल इंदौर में इंटरनेशनल सोया कॉन्क्लेव हुआ, उसमें कहा गया है कि सोयाबीन का उत्पादन ठीक ठाक रहेगा, स्लाइटली हायर कंपेयर टू लास्ट ईयर, करीब 1.5 लाख टन, 120 लाख टन के ऊपर उत्पादन बताया जा रहा है। तो इन और इम्पोर्ट हमारा बढ़ रहा है पाम का, तो आपके हिसाब से इंडिया में डिमांड सप्लाई का सिचुएशन अभी क्या रहने वाला है एडेबल ऑयल का? देखिए, इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी से
स्वीट स्पॉट में है, यानी कि इंडिया में ग्रोथ हम देखने वाले हैं, शायद उतना ग्रोथ नहीं रहेगा जितना कि पहले हमें अनुमान था, लेकिन 6-7% तो इंडिया की इकोनॉमी जरूर ग्रो करेगी। और इसके जरिए इंडिया में सारी चीजों का, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमारे इम्पोर्ट बढ़ने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमारे इम्पोर्टर्स ने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए इतना इंपोर्ट कर लिया है कि मेरा मानना है कि अक्टूबर की एंड तक इंडिया में कम से कम 30 लाख टन एडिबल ऑयल का स्टॉक बन जाएगा। इसलिए आगे 6 महीनों में इंपोर्ट थोड़ी कम रहेगी, लेकिन भाव भी वाजबी है। भाव अभी पिछले 2 हफ्ता में थोड़े, आपने जैसे बताया, बढ़े हैं, लेकिन वो वापस गिर जाएंगे। ये यूक्रेन का जो टेंशन है, ये मामला जो चल रहा है, वो मैं नहीं मानता कि ये बहुत दिनों तक चलेगा। अब रशिया की रिटेलिएशन आएगी, उसके बाद यूक्रेन का जवाब आएगा, और उसके बाद वापस जैसे था वैसे ही मामला रहेगा, और दुनिया में वंस अगेन एक तरह की मॉडरेशन या कामनेस बाजार में आ जाएगी, और तो आते आते वापस मंदी का माहौल आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मंदी का माहौल जब आप कह रहे हैं कि आ जाएगा, तो यहां से हम कितनी गिरावट देख पाएंगे पाम तेल की कीमत में? देखिए, अब तो पाम के भाव काफी बढ़ गए, आपने बताया 3,800 तक पहुंच गए, शायद कल 4,000 भी हो सकता है ये टेंशन के हिसाब से। हाँ। लेकिन उसके बाद भाव वापस 3,000 पर आ जाएंगे, और मेरा मानना है कि दिसंबर के अंत तक, यानी कि आज से 3 महीने की लंबाई में, वापस 2,500 तक भी माल भाव गिर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई बहुत है और दुनिया भर में, खास करके डेवलप्ड वर्ल्ड में, रिसेशन की संभावना है। तो रिसेशन के टाइम कमोडिटी प्राइसेस रैली नहीं कर सकते, कमोडिटी प्राइसेस हमेशा दबे रहते हैं। ये जो मैंने कहा ओपेक की बदमाशी, ये बिल्कुल बदमाशी ही थी। जब दुनिया रिसेशन को देख रही है, तब आप भाव बढ़ा रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको पॉलिटिकल आपका मकसद है। तो इसलिए ये जो किया है वो थोड़े दिन तक सक्सीड करेगा, लेकिन लंबे अरसे तक नहीं टिक सकता। तो सर, ओपेक के इस कदम को आप बदमाशी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ओपेक की तो पूरी इकोनॉमी ऑयल पे टिकी हुई है, और ओपेक को तो जाहिर तौर पे अच्छा भाव चाहिए ऑयल का, और अगर 90 के नीचे क्रूड आ जाएगा तो ओपेक वाले, मतलब ओपेक कंट्री वाले खाएंगे क्या? और मंदी, मृत्युंजय है अब हमारे हिंदुस्तान के बाजार में अगर ट्रेडर्सों के हाथ में माल है, वो माल वो दबा के रखते हैं, माल दुकान में लाते नहीं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? तो हम बोलते हैं बदमाशी ना। ठीक है, ठीक है। अब एक सवाल, बिल्कुल वही इन लोगों ने सारे दुनिया के प्लेटफॉर्म पे ऐसा किया है। दिस इज रॉन्ग। जब अब हम जानते हैं कि हमारी डेवलप कंट्रीजों में लोगों को आज कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, डॉलर कितना स्ट्रांग हो गया है, तब भी ये लोग डॉलर का भाव बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप तो लंदन, सिंगापुर बैठते हैं, अब यहाँ के सोयाबीन के फार्मर को 10,000 का भाव मिला था ठीक 2 साल पहले, आज 5,000 का भाव मिल रहा है, हाफ हो गया प्राइस सर। उत्पादन ठीक ठाक बताया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कैरी ओवर स्टॉक भी ज़्यादा है। आप जरा बताइए कि फार्मर, ठीक है एमएसपी से ऊपर भाव है वो ठीक है, लेकिन मतलब अगर थोड़ा और अच्छा भाव मिल जाए फार्मर को तो किसी को आपत्ति नहीं होगी। आप जरा हमें ये बताएं कि फार्मर को अच्छा भाव मिले या सीजन में और दाम कम ना हो जाए, उसको रोकने के लिए इस वक्त भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आपने बहुत ही चिंताजनक सवाल पेश किया है, क्योंकि हमें हमारे फार्मर को संभाल लेना चाहिए। फार्मर को हमेशा एक प्रकार का एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसलिए 2 चीज हिंदुस्तान सरकार कर सकती है। पहली, के ये जो फ्यूचर्स मार्केट है उसको खोल देना चाहिए। फ्यूचर्स मार्केट बंद करने का जो निश्चय भारत सरकार ने लिया वो अच्छा था उस टाइम पे, लेकिन आज जबकि बाजार में माल आ रहा है, दाम गिरे है, बाजार में माल जितना चाहिए उतना मिल रहा है कस्टमर को, तब हमको फ्यूचर्स मार्केट को खोल देना चाहिए। तो इससे क्या कि हेजिंग, फॉरवर्ड सेलिंग वगैरह हो सके, तो व्यापारी फार्मर से माल खरीदेंगे तो वो फ्यूचर्स मार्केट में हेज कर सकते हैं। तो ये एक पहला कदम है। और दूसरा कदम, ये जो एक गलत कदम सरकार ने उठाया कि पहले से अनाउंस कर दिया
कि 31 मार्च तक हम इंपोर्ट ड्यूटी को चेंज नहीं करेंगे। ये तो आपने हाथ ऊपर कर दिए, सरेंडर हो गए आप दुनिया में। आपको आपकी इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होनी चाहिए ये डिसीशन लेना आपका अधिकार है, और सरकार को ये अधिकार हमेशा अपने हाथों में रखना चाहिए। और सप्लायर देशों को, खास करके इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना को बताना चाहिए कि देखो अगर आप लोग बदमाशी करोगे तो हम इंपोर्ट ड्यूटी और बढ़ा देंगे। तो ये हमको, ये गलत कदम सरकार ने उठाया है। कोई बात नहीं, सरकार को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन धीमे धीमे सरकार को ये डायरेक्शन बाजार में छोड़ना चाहिए कि अगर दाम गिरे तो हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाने के लिए तैयार है। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया दोराब जी मिस्त्री आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, डिटेल में पाम के ऊपर, एडेबल ऑयल के ऊपर बात करने के लिए, बताने के लिए कि प्राइस क्या रहेगा आगे, कंज्यूमर के लिए क्या राहत मिलेगी, और साथ ही फार्मर को कैसे अच्छा भाव मिले ऑयल सीड का, इसके लिए क्या उपाय इस वक्त होने चाहिए, ये आपने बहुत डिटेल में बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मृत्युंजय आपको भी बड़ा धन्यवाद, क्योंकि आपको और मुझे, हम दोनों को सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने गोविंद भाई पटेल मेमोरियल अवार्ड दिया। बिल्कुल आपको जो अवार्ड मिला, मुबारक हो। बिल्कुल सर, आपको भी मुबारक हो, और आप तो सर डिजर्व करते हैं, मतलब मैं तो आपसे सीखता हूँ, और आपको जब ये सम्मान मिला तो मेरे सम्मान की खुशी दोगुनी हो गई कि मैं, मुझे भी उस कतार में शामिल किया गया है जिस कतार में आप खड़े हैं। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बधाई आपको भी। चलिए अब हम लौटते हैं कि मार्केट में अब आपके लिए और कहां पर मौके बनते हैं, तो आते हैं अब मेटल मार्केट पे। मेटल मार्केट में अनुज जी, आज के लिए आपको कहां पर कमाई के मौके दिख रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए मेटल्स में हम देखें तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला है, और मार्केट में थोड़ा सा वीकनेस का इंडिकेशन दिख रहा है। तो मेटल्स में मुझे लगता है कि कॉपर में करीबन ऊपर में भाव आते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। नीचे एक बार प्राइस 650 645 तक आ सकते हैं, फिर वहाँ पर अगेन हम खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम जिंक में देखें तो यहाँ पर एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लगता है कि जिंक में एक खरीदारी का ट्रेड करीबन 277 के अराउंड बना सकते हैं। 275 का स्टॉप लॉस लगाएं, 280 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो मिला जुला मार्केट रहेगा यहाँ पे, हमें लगता है कि जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चला जा सकता है, ऊपर में 280 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जरा जिगर आप हमें ये बताइए कि एग्री मार्केट में आज खास करके जीरे में बड़ा अच्छा एक्शन दिखा है, इसके अलावा कॉटन में एक्शन दिखा है, क्या ये एक्शन अभी कंटिन्यू रहने वाला है? अगर जीरे की बात करें तो मुझे लगता है कि जीरे में थोड़ी और अपसाइड का मोमेंटम पॉसिबल है। जीरे पे आज हमने तकरीबन 1% से ज्यादा का अपसाइड का मोमेंटम देखा है। हो सकता है कि ये जो मोमेंटम है तकरीबन जो प्राइसेस है नियर बाय 25,000 के लेवल्स तक आते हुए दिख सकते हैं, बट अगेन वहां पर प्राइसेस लिमिटेड अपसाइड के लेवल्स पे रहेंगे, वहां पर रेजिस्टेंस फेस होगा, उससे ज्यादा बहुत अपसाइड नहीं देख पा रहा हूं मैं। तो मुझे लगता है कि अगर जीरा की बात करें तो हल्के से भी अगर गिरावट आए 100-150 रुपए की तो वहां खरीदारी का मौका लेना चाहिए 25,000 के टारगेट के लिए। क्वार्टर में बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं करता हूं, बट यस मुझे लगता है कि क्वार्टर में एक शॉर्ट टर्म में अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ रहेगा, बट अगेन बहुत लिमिटेड अपसाइड रहेगी, तो बहुत बड़ी एग्रेसिव बाइंग नहीं रहेगी क्वार्टर। चलिए अब हम शुरू करते हैं सवाल जवाब। पहला सवाल है पराग का, पूछिए पराग। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए सर। मुझे, मैंने सिल्वर 60,900 से बाय की है। किस भाव पर? 60,965। 60,965 पे आपने सिल्वर बाय किया है? यस सर। ओके, तो अनुज जी बताइए, अभी भाव जो इनका बाइंग का प्राइस है उससे नीचे है, तो क्या इनको रुकना चाहिए अभी? आज तो बहुत तेज गिरावट है चांदी में, क्या सुझाव होगा आपका? देखिए मुझे लगता है कि ये होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगेन भाव एक बार 60,000-61,000 के लेवल में आ सकते हैं। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस करीबन 58,800 का लगाएं और पोर्शन को होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि एक बाउंस बैक जो है गोल्ड सिल्वर में अगेन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 59,600 ये प्राइस है अभी MCX पर चांदी का, और करीब करीब 2% के आसपास की गिरावट इस वक्त चांदी की कीमतों में दिख रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कमोडिटी की बात करते हैं। अच्छा अनुज जी, कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक, ये तीन क्वार्टर अभी ट्रेड के लिहाज से, इंट्राडे के लिहाज से, आज शाम के ट्रेड के लिहाज से आपको कैसे दिख रहा है?
देखिए तीनों ही काउंटर में डिफरेंट ट्रेड देखने को मिल सकता है। अगर जिंक में बात करें तो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बनाना चाहिए 277 में, 275 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 280 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में ऑलमोस्ट 660 के आसपास बिकवाली करें, नीचे करीबन 652-650 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। एल्युमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पर करीबन 201-202 के आसपास खरीदारी करें, 199 का स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट 205 तक देखने को मिल सकता है। करीबन अगर हम देखें तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो है वो एक रेंज बाउंड है, बट यहाँ पे जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है वो डिफरेंट कमोडिटी में अलग अलग हो सकती है। जिंक और एल्युमिनियम में खरीदारी कर सकते हैं, वहीं कॉपर में थोड़ा बिकवाली का ट्रेड बना के चला जा सकता है। जय है, नेक्स्ट कॉलर पूछिए। जय जय आप सुन रहे हैं, आपको आवाज आ रही है? जयेश पूछिए। चने में, ओके अनुज जी बताइए, चने पर आपका व्यू? देखिए चने में यहाँ से एक बाउंस बैक देखा जा सकता है, जिस तरीके से बारिश हुई है ये सभी एग्री कमोडिटीज के लिए थोड़ा सा एक सपोर्टिव फैक्टर हो सकता है। मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रॉप डैमेज होने का खतरा है, तो पल्सिस की अगर बात करें ओवरऑल चने को इंक्लूड करते हैं तो यहाँ पर हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आपको यहाँ तेजी का रुख देखने को मिल सकता है, और मुझे लग रहा है कि 4-5% की तेजी आपको दालों में देखी जा सकती है, तो चने के अंदर भी हम यहाँ पे तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर सुमन है हमारे साथ, पूछिए सुमन। सर मुझे सिल्वर पे सवाल पूछने हैं। अभी दशहरे पर केडिया जी ने एक साल के लिए सिल्वर का टारगेट दिया था 88,000 का बाइंग के लिए, अभी आज वो दोपहर के प्रोग्राम के अंदर बिकवा के गए हैं। अभी मुझे आप ये बताइए कि अब मैं इसे बिकवाली करूं या फिर बाइंग करूं इसके अंदर? अभी अनुज जी बोल रहे हैं कि सिल्वर के ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन देखिए कि मार्केट काफी वोलेटाइल है और जिस तरह से न्यूज का फ्लो है उसका बड़ा इम्पैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। लेकिन आपको एक बात याद होगी कि हम बार बार, हमारे कई सारे एक्सपर्ट आते हैं जो चांदी पर अपनी राय देते हैं, उनका ये कहना होता है कि चांदी गोल्ड आप लेकर भूल सकते हैं, लेकिन चांदी अगर आप लेते हैं तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि चांदी कई बार लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कमोडिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, और अगर आप करते भी हैं तो आपको प्रॉपर इस पर ध्यान रखना होगा, न्यूज़ फ्लो पर ध्यान रखना होगा, थोड़ी रिस्की कमोडिटी तो है, इसमें कोई शक है नहीं। अनुज जी अब आप क्या जोड़ेंगे इसमें? आया था तो हमने 54,000 पे भी खरीदारी की सलाह दी थी और 62,000 के आसपास का टारगेट दिया था, वो मीट आउट हुआ था, तो वो भी आपको देखना चाहिए कि किस तरीके किस लेवल पर आप खरीदारी कर रहे हैं। तो चांदी और सोना दोनों एक ऐसी कमोडिटी है जिसको आप लेवल वाइज लेवल अगर ट्रैक करेंगे तो आपको अच्छे ट्रेड इसके अंदर मिलेंगे। पोजिशनल ट्रेड भी आप लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर हम देखें तो इसने करीबन 15 दिन के अंदर ही करीबन 8,000 की एक रैली बनाई थी, तो एक साल के लिए 85,000 का टारगेट अगर रखा गया तो एक लंबे व्यू के लिए, तो वो लंबा व्यू है आपका। शॉर्ट टर्म के लिए आप लेवल वाइज ट्रेडिंग कर सकते हैं, अगर आप पर्टिकुलर डे की बात करें तो ज्यादा मूवमेंट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट हाँ अगर नीचे 59,000 के आसपास लेवल मिलते हैं तो आप खरीदारी कर सकते हैं, वहां से आपको एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अगला सवाल है फरहान का, पूछिए फरहान जी। सर जी मैं सवाल मेंटल पर है, पहले तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, आप जो है आवाज उठाइए, सिंथेटिक मेंथा बाजार में बहुत आ रहा है, इंडस्ट्री इससे परेशान है। अच्छा, सिंथेटिक मेंथा बहुत आ रहा है? बहुत आ रहा है सर। कहाँ से आ रहा है सर? सर मलेशिया से। मलेशिया से और जर्मन से बात कंपनी में आती है, इम्पोर्ट हो रहा है? हाँ इम्पोर्ट हो रहा है सर। और मेरा मेंटल पर सवाल है, मेंथा कब तक बढ़ेगा सर? ये 100-200 रुपए इसमें बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे? बताइए अनुज जी, मेंथा में तेजी देख रहे हैं अभी आप? देखिए सिंथेटिक मेंथा की सप्लाई की वजह से जो डोमेस्टिक मेंथा है वो यहाँ पे रुका हुआ है और हमें काफी समय से देख रहे हैं कि एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि अभी ये जब तक सप्लाई यहाँ पर बंद नहीं होगी, सप्लाई जब तक डिस्टर्ब नहीं होगी तब तक ये प्राइस ऐसे ही रहेंगे। नीचे रेंज जो है 9,970 से लेकर ऊपर में 1,020, मुझे लगता है कि इस रेंज में प्राइस ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। बहुत शुक्रिया आप अनुज जी आपका, जिगर जी आपका जुड़ने के लिए और सवालों के जवाब देने के लिए और साथ ही बताने के लिए कि आज कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।